सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर आजमगढ़ पर आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली निकाली गई। आज दिनांक 13 अगस्त 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर आजमगढ़ पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी एस यादव के नेतृत्व में सीएचसी फूलपुर पर कार्यरत समस्त चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ नर्स एवं आशा बहुओं के साथ तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। यह रैली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर से चलकर स्टेट बैंक बस स्टॉप शंकर तिराहा होते हुए सरीचर बाजार मिर्जा मंडी होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर आजमगढ़ पर समाप्त हुई। आजादी के अमृत महोत्सव पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर से प्रारंभ होकर समूचे फूलपुर मार्केट का चित्रण करते हुए पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समाप्त हो गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय, तिरंगे झंडे की जय। से सभी कर्मचारियों के साथ हमने तिरंगा यात्रा निकाली। शंकर चित्रहास होते हुए मिर्चा मंडी होते हुए बीच में एसडीएम साहब ने भी हमारी यात्रा का साथ दिया। हम उनके धन्यवाद देते हैं। जनमानस में हमने जागरूकता फैलाने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल करने के लिए ये रैली निकाली गई। अब इस रैली का यहाँ समापन होने जा रहा है। सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी हमारे इसमें लगे रहे, तन मन से हम इनके लिए इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आगामी 15 अगस्त को और भी उत्साह से स्वतंत्र दिवस मनाएं। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हमें, हमारे देशवासियों से अपील किया है कि हर घर तिरंगा, इसी को जागरूक करने के लिए हम अपने अधीक्षक सभी स्वास्थ्यकर्मी के साथ आज एक रैली निकाली है। इस रैली में हमें अटूट प्यार मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिला है। हम चाहेंगे आपके मीडिया के थ्रू कि हर घर में 15 अगस्त तक तिरंगा लग जाए, जिससे कि पूरा गाँव, पूरी मार्केट, पूरा देश, पूरा अस्पताल, हर जहाँ तिरंगा दिखाई दे। धन्यवाद। बाद नारा लगा दिया।